जंडू की पत्नी अपने पति ने रोज पिटया करती। पति उस तब बहुत गणा दुखी रहा करता। एक दिन पत्नी बाहर जान लाग रही थी तो अपने पति तो बोली, मैं 2 घंटे खातर बाहर जासू, तने की मैं चाहिए के? जंडू राजी होकर बोलिया, ना बस इतना ही काफी से। एक बार की बात, रात ने 1 बजे जंडू की गर्लफ्रेंड ने जंडू दोरे फोन करया। अरन्यू बोली, मारे घरा कोए को ना, इतनी सुन दे। जंडू बाजा बाजा उसके घरा पहुंचा। उड़े जाके देखा उनके घरा सचमुच कोई ना था, घर के ताला लाग रहा था। दोस्तों, एक बार जंडू ने आम की रेड़ी लगा ली और आम बेचन लग गया। इतनी बार में एक लड़की जंडू की रेड़ी धोरा आई और न्यू बोली, भैया ये आम लंगड़ा है क्या? जंडू पड़ दे बोला, हाँ बहन जी, जबे तो रेड़ी पे बैठ के घूमन लाग रहा से। दोस्तों, मैं थमने एक हकीकत बता दूं, न्यू कया करें कि याददाश्त तेज करण खातर बादाम भिगो के खाने चाहिए, पर हकीकत तो या से याददाश्त तेज करण खातर बादाम भिगो के खाने वाले लोग अक्सर रात ने बादाम भिगोना ही भूल जा से। जब जंडू छोटा सा था तो एक बार जंडू के बाबू ने जंडू ते जूते मंगवाए। बाबू बोला, बेटे मेरे जूते लाइए। जंडू बेचारा भोला बाला था, वो पड़दे बोला, बाबू एक लाऊं अक दोनों। इतनी सुनकर जंडू का बाबू छोमा आ गया। अरन्यू बोला, वैसे तो दोनों आ की जरूरत थी, पर तू इब एक के लिया। एक बार घने दिना में जंडू अपने एक दोस्त से मिला। उसका दोस्त उदास था। जंडू उससे बोला, भाई इतना बुझा बुझा सा क्यों से, इसी के बात होगी? उसका दोस्त बोला, भाई मेरी गर्लफ्रेंड मने धोखा देगी, बस उससे के गम में सारी रात रोए जासू, नींद भी ना आंदी, तू अपनी सुना। जंडू पड़ दे बोला, भाई ना तो किसी के गम में रोता हूँ, ना किसी के प्यार में खोता हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, 1.5 GB डाटा रोज खत्म करके आराम से सोता हूँ। एक बार जंडू अपने दोस्त तो बोला, तने एक पते की बात बताऊं? दोस्त बोला, बता। जंडू बोला, आजकल हेलमेट और मास्क की हालत एक जैसी होगी। जंडू का दोस्त बोला, क्यों कर भाई? जंडू ने बताया, एक बाइक पे लटका रहे से और एक गल में दोनों पुलिस वाला के दिखते लगाए जासे। एक बार बारिश का मौसम हो रहा था और बादल गरजे थे, तो 2 सहेली आपस में बतलान लागी। एक बोली, बेबे तने बेरा से बारिश आन ते पहला बादल क्यों गरजा करे? तो पहली बोली, बेबे बादल बारिश ते पहला न्यू गरजा करे, अक घर में बेसन प्याज और मिर्च ना हो तब बाजार ते लियाओ। दोस्तों, कुछ माँ बाप इसे होसे जो अपने बालका ने सीधा सीधा काम ना बता के तन्ने मारा करे। जैसे एक माँ अपने बालक ने न्यू ना कवे कि अपने कमरे की सफाई कर ले, न्यू कवेगी, अरे तने शर्म आनी चाहिए, बड़े बड़े रे न्यू कया करते कि जित कुत्ता बैठे से वो भी पूछ फेर के बैठे से, यानी सफाई करके बैठे से। एक बे की बात, गर्मी घनी पड़ रही थी और जंडू बीमार हो गया। वो डॉक्टर दोरे गया। डॉक्टर चेक करके बोला, तेरे तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, गर्मी थी ये घनी। जंडू पड़ दे बोला, डॉक्टर साहब फ्रिज में धरी हुई चढ़ाइयो, एकदम चिल्ड। एक बार जंडू और उसका दोस्त आपस में बतलान लाग रहे थे। जंडू अपने दोस्त से बोला, तने एक बात बताऊं? जंडू का दोस्त बोला, बता भाई। जंडू बोला, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जंडू का दोस्त बोला, क्यों भाई? जंडू पढ़ दे बोला, याद रखिए, जिंदगी बनानी से मैगी नहीं।
एक बार झंडू अपने दोस्त ते बोलिया, आजा आज तने एक राज की बात बताऊंगा। दोस्त बोलिया, बता भाई। झंडू बोलिया, मस्तिष्क शब्द में एक राज छिपिया से। दोस्त बोला, कौन सा भाई? झंडू पढ़ दे बोला, मस्ती और इश्क।